बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बजिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बजिया के संग। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। जी तो आज ये जो है ये ऊपर है काफ़ी, ये इलेक्ट्रिक गीज़र हमने लगवाया है। तो इसका पहले ये था कि गैस वाला था, गैस तो चूँकि आती ही नहीं है तो इस मरतबा तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या है कि आ ही नहीं रही, तो हमने ये इलेक्ट्रिक गीज़र लगवाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये है सेमी इंस्टेंट वाटर हीटर, तो ये इसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। मुझे नज़ला ज़ुकाम बहुत हो रहा है इसलिए आवाज़ बहुत ही अजीब व गरीब है, गले से निकलनी मुश्किल हो रही है। जी ये हो गया अनबॉक्सिंग, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत है प्लास्टिक बॉडी के साथ। इसमें करंट वगैरह का कोई खतरा नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है हमारा वाटर गीजर। तो इसके साथ हमारी ये हमने बाहर बालकोनी में लगवाया है, पहले तो गैस का था तो गैस को अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो अब ये लगवाया है। तो इसके लिए हमें गैस की लाइन भी पूरी वहाँ तक ले जानी पड़ी जो कि ये प्लम्बर कर रहे हैं। इनको इलेक्ट्रिक का भी काम आता है तो लिहाजा यही कर रहे हैं। ये देख रहे हैं लगाकर, तो ये लग गया। जी अभी ये बहुत ही शदीद ज़ुकाम हो रहा है मुझे, बस एक ज़रा सी तबीयत सही होती है फिर वैसे ही। तो ये हमने इससे के साथ ही साथ हमने कहा चलो ये भी एक काम करवा लें, तो हम जो वॉशिंग मशीन थी उसका अंदर से स्विच लगाते थे तो अब उसके लिए भी हमने इधर ही ये जो सामने है वो लगवा लिया है। क्या होता है ये, तो ये हमारा गीज़र लग गया है। तो इसका ये है इंस्टेंट गीज़र का ये फ़ायदा है कि पूरे घर का पानी आप गर्म कर सकते हैं। ये है कि थोड़ा 5 मिनट बाद ऑन करने के पानी गर्म आता है और इसका बिल भी थोड़ा सा ज़्यादा आता है। और जो इंस्टेंट गीज़र है उसको ऑन करते ही पानी उसका फ़ौरन गर्म आने लगता है, लेकिन उसका बिल भी कम आता है। लेकिन वो एक गीज़र आप एक वाशरूम में लगा सकते हैं और ये पूरे घर का पानी गर्म करता है। ये भी थोड़ा बताते जाएंगे कि काम आपने कब से इसका काम, तो ये मैंने कोई इधर देख के माशाल्लाह काम करते हुए तो मेरे को सारे मेरी 33 साल का काम तुम नहीं करते हो, मेरे घर वालों ने बोला फिर बस वो नहीं चलेगा। तो मैंने काम बोला भाई मेरे को काम पे लगा, मेरे घर वालों ने बोला भाई क्या काम करना चाहते हो, तो मैंने बोला जो आपका दिल करे। तो ये मेरे को दूसरे काम पे लगाया था, मेरे को समझ में नहीं आया मोटर वाइंडिंग का जो है मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं प्लम्बर का और इलेक्ट्रिशियन का उसके साथ काम करता था, तो मेरा जो ठेकेदार था वो मेरा रिश्तेदार ही था। तो मैंने अपने रिश्तेदार से ये फ़ायदा लिया कि मैं सुपरवाइज़र होता था साइट का, इलेक्ट्रिशियन मेरा शौक है जो बिजली का जो काम है, प्लम्बर का असर मेरा हुनर है और इलेक्ट्रिक का भी अलहमदिल्ला मैं आज तक मेरा कोई उस्ताद नहीं है पर मैं किसी से कम नहीं हूँ। सिर्फ ऐसे ही चीज़ें आ रही हैं ना, ये कुछ आजकल बिल्कुल समझ से बाहर है। अभी देखें इसमें क्या फॉल्ट है, अभी कैसा फॉल्ट निकल गया। बाकी तुम गीज़र कोई बोलता है ना थर्मास्टेट गीज़र का ख़राब हो जाता है, मैं मान ही नहीं सकता, थर्मास्टेट सारी ज़िंदगी नहीं ख़राब होता। अच्छा। सिर्फ वो जाम हो जाता है, खुल के हाथ के हाथ वहीं गीज़र पे लगे लगे सर्विस हो जाती है।
क्या होता है भाई, खोल के अगर वो दूसरा प्लम्बर लेके जाता है ना, तो बोलता है सर ये बनवा के लेके आना पड़ेगा, 3,500 रुपए का खर्चा है। करता कुछ नहीं है, लेके जाएगा बाहर, खोलेगा उसको, खुद ही कहीं कोने में बैठ के सर्विस करके फिर लगा। यही करते हैं ना। थर्मास्टेट में सिर्फ कुछ भी नहीं है, थर्मास्टेट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो बेलो राडे सही होने चाहिए, एक सेल होता है, और अगर वो जाम हो जाए तो उसके खोल के शुरू होते हैं वो सर्विस। नहीं तो यही कहते थर्मास्टेट खराब ही होता। थर्मास्टेट मैं उस्ताद मान लूंगा, कोई मेरे को उसमें फॉल्ट बता दे कि इसकी वजह से ये नहीं चल रहा। अभी देखो ना हमारी इस्त्री थी खराब हुई, वो ऑटोमेटिक होता है उसके, हालांकि फ्यूज जुड़ा होगा, कोई तार जोड़ दो तो वो सही हो जाता। हमारे भाई को खुद ही ये लोग काम कर लेते हैं। सही बात है। अब वो उड़ा ये ले गया वहाँ, उसने 500 ले लिए और वो करके भी दूसरे दिन आए, फिर उड़ गया, कह रहा है ये तो इस्त्री बेकार है, वो पड़ी हुई है, ये बेकार इस्त्री है। हमने जो समझते कहीं भी ले जाओ, यही कहते हैं इसका ये भाई, आजकल कारीगर नहीं है, सिर्फ जो आए हुए हैं वो कारीगर बने हुए, एक कारीगर ब्लेड होगा उनके बैग में, और इंची टाइप तो आजकल के प्लम्बर के बैग में मिलेगा ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि पीवीसी है, आधा इंच इधर से कर डाल रहे हैं, इधर चिपका है, इधर है क्या काम, वो होते थे जो जीआई के होते थे। हमारे यहाँ काम इलेक्ट्रिक के लिए तो वैसे वो आते हैं हमारे यहाँ सईद भाई, बहुत हाँ जानते होंगे आप, माशाल्लाह नाइस आदमी, बहुत अच्छे हैं, और शुरू दिन से आ रहे हैं। हमने कभी वो आते हैं पैसे भी तय किए, एंड में जो कहते हैं मुनासिब ही कहते हैं, चलो क्यों शुरू से शुरू दिन से वही आ रहे हैं और अच्छा काम करते हैं, और पैसे शुरू शुरू में करते थे। हालांकि जब मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानती हैं, तो कैसे बात बनेगी? ये तो हमारे मजहब में भी है वैसे कि पहले से कर लो, लेकिन जब इंसान की आदत का पता चल जाए, सुना तरीका है वो, तो सुना तरीका, तो अब वो आएंगे काम करेंगे। सईद भाई जो पहले नासुरी मांगते हैं, फिर कैसे मान गए कि नहीं आ माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ इस्तेमाल होना, जब गैस आएगा तो पाइप भी आएगी, लटक रहा है गंदगी सी। जी तो वीडियो आपने देखी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास बने बेल के निशान को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।